नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला और उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भाजपा का स्थापना दिवस और इस मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। इसी दौरान सीएम धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। चाहे वो सड़कों के हों, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के हों, चाहे अनेकों काम हों, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ही बने हैं। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार बनी, उसके बाद आज चार धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे आज एम्स का निर्माण हो, दूसरा एम्स बनना हो, कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन हो, ऐसे अनेकों काम, देहरादून का एयरपोर्ट बड़ा बनना हो, केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान पर काम हो, हेमकुंड साहब रोपवे जाना हो, केदारनाथ रोपवे जाना हो, अनेकों कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो सारे के सारे प्रस्तावित हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में अभूतपूर्व कार्य हुए। पहला दल है जिसने अपने प्रत्येक बूथ स्तर तक हमने अपने सोशल मीडिया आईटी सेल का गठन किया है और मैं कह सकता हूँ कि हमारे आज के सभी कार्यक्रमों की प्रमाणिकता भी नमो ऐप में डाउनलोड होना है। हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए अलग से ऐप आता है, उस ऐप के माध्यम से कार्यक्रम हुआ कि नहीं, अब झूठी बातों का स्थान नहीं है। आजकल सोशल मीडिया में प्रत्यक्ष रूप से हर कार्यक्रम का एक स्वरूप दिखाई देता है और हमारा कार्यकर्ता सोशल मीडिया के इस युग में उस चुनौती के भी सामना करने तैयार है। रुड़की से बड़ी खबर मिल रही है, हनुमान जयंती को लेकर अलर्ट की खबर है। डाडा जलालपुर गांव में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। 3 बजे तक शोभा यात्रा निकालने की इजाजत और शोभा यात्रा में शस्त्र तलवार लाठी डंडे रखने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। शोभा यात्रा पर ड्रोन के जरिए पुलिस नजर रखने वाली है, ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पिछले साल हुए बवाल को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। बड़ी खबर रुड़की से, डाडा जलालपुर गांव में प्रशासन अलर्ट, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, पुलिस की चहलकदमी लगातार बनी हुई है। इसी बीच शोभा यात्रा 3 बजे तक निकाली जाएगी। हमारे जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, के नियमानुसार पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति दी गई है, तो विभिन्न थाना क्षेत्रों में आयोजित की जा रही है। इसको देखते हुए जहाँ जहाँ हमारे ज़्यादा जुलूस और धार्मिक यात्राएं निकल रही है, उसको देखते हुए हमने संबंधित थाना क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अफसर की नियुक्ति की है। साथ ही साथ हर जगह मजिस्ट्रेट अफसर नियुक्त रहेंगे। ड्रोन से निगरानी करने के लिए बताया गया ऐसे इलाकों में, साथ ही साथ समस्त जुलूसों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी विनीत त्यागी फोन लाइन पर मौजूद है। विनीत, बताएं मौजूदा हालात कैसा है, कैसे हैं और प्रशासन की ओर से कोई अपडेट? तो के दिन जो है डाटा जलालपुर में बड़ा बवाल हुआ था जिसमें आग जनी भी हुई थी, लेकिन उसी को मद्देनजर देखते हुए इस बार पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है। यानी इस बार कोई भी कमी कसर छोड़ना नहीं चाहता है कि कोई असामाजिक तत्व या उपद्रव मचाए। यानी फिलहाल आज शोभा यात्रा जो है डाटा जलालपुर में शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही है। पुलिस चपते चपते वो पुलिस फोर्स भी तैनात है और आपको बता दें कि ड्रोन के जरिए भी जो है शोभा यात्रा पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल शामिल होंगे इस यात्रा में विनीत? जी बिल्कुल, देखिए अभी इसमें काफी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। शोभा यात्रा निकाली जा रही है, 3 बजे तक का समय दिया गया है। इसमें कोई भी अस्त्र शस्त्र या लाठी डंडे का प्रयोग नहीं कर पाएगा, ये साफ चेतावनी पुलिस द्वारा दी गई है। लेकिन फिलहाल अभी शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। व्यवस्था बना रहे रखने की अपील है, आस्था का और श्रद्धा का दिन है, इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकालते हुए लोग फिलहाल नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी विनीत, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर जोशीमठ से है। बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा गिरा है, हनुमान चट्टी के पास सड़क पर मलबा आया है और पिछले 24 घंटे से हाईवे बंद है। बद्रीनाथ हाईवे 24 घंटे से बंद, बीआरओ की टीम लगातार मलबे को हटाने में जुटी हुई है। हनुमान चट्टी के पास बड़े पैमाने पर यह मलबा गिरा है, मलबा गिरने के बाद इसे हटाने का काम बीआरओ की टीम कर रही है और मलबे का जो अंबार है वो सड़क पर लगा हुआ है, ढूंढ पाना मुश्किल है। सड़क कहाँ है, मलबा कहाँ है, ऐसी कंडीशन में बीआरओ के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये हाईवे इतना अहम है, इसे बनाए रखना, इसे ठीक रखना, मेंटेन रखना चुनौतीपूर्ण काम हो चुका है, क्योंकि लगातार गिरता मलबा अच्छा संकेत नहीं है।
हरिद्वार में बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायर कर दिया। इसके बाद बदमाश फरार होने लगे मगर पुलिस उनका पीछा करती रही। बदमाश गन्ने के खेत में छिपने की कोशिश करते हैं, बदमाशों पर पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग होती है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरा साथी फरार बताया जा रहा है जिसकी तलाश जारी है। बाइक सरमार जो है गाड़ी नहीं रोकी, जब उसका पीछा किया गया तो गन्ने खेत में भागे और फायर किया पुलिसकर्मी के ऊपर, जिस पर जवाबी कार्रवाई में भी पुलिसकर्मियों द्वारा फायर किया गया जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी। अभी प्राथमिक रूप से जो जानकारी मिली है उसमें वो बदमाश मुजफ्फरनगर साइड का, अभी इसकी तस्दीक हुआ जिससे अपराधी के इतिहास के बारे में पता चला है ये लोग किस प्रयोजन से यहाँ पर आए थे और क्या मंसूबे थे, इस संबंध में उससे पूछताछ की जाएगी। अभी चूँकि उसको घायल अवस्था में है तो उसको रुड़की सिविल अस्पताल में वहाँ पर एडमिट कराया गया। और उधर चमोली के नंदप्रयाग में हाईवे स्थित कई दुकानों में आग की खबर है। आग की चपेट में आने से 6 दुकानें जलकर खाक हुई हैं। फायर सर्विस की गाड़ियां मौके पर पहुंची जिसके बाद आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई। काफी देर तक आग पर मशक्कत करने के बाद काबू पाया गया। आग इतनी भीषण की थी कि दुकान के भीतर रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। गनीमत है कि किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे का जिक्र करते हैं, 24 केस सामने आए हैं जबकि उससे पहले कोरोना के 45 केसेस सामने आए थे। इस तरीके से कुल केस बढ़ के 100 हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट की माने तो देहरादून जिले में 14, नैनीताल में 3, पौड़ी में 2, हरिद्वार में 1 संक्रमित मरीज सामने आया है और पिछले 24 घंटे में 404 सैंपल्स की जाँच की गई, 24 लोग पॉजिटिव मिले हैं। और उधर कोरोना को लेकर हरिद्वार में भी प्रशासन अलर्ट है। डीएम ने सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं मगर मेला अस्पताल में बना ऑक्सीजन प्लांट अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर कोरोना महामारी का विकराल रूप सामने आता है तो ऑक्सीजन प्लांट पर ऑपरेशन वो ऑपरेट नहीं किया जा रहा है, वहां से कोई सप्लाई नहीं है, वो बंद पड़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इसी बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ मंथन मीटिंग की। तीनों जिलों रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिले के डीएम भी वर्चुअली इस मीटिंग में जुड़े। चारधाम यात्रा को लेकर शासन स्तर पर तैयारियां तेजी से चल रही है। समय कम बचा है और इसलिए चारधाम यात्रा की तैयारी जोरों पर है। इसी को लेकर सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग हुई। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा में चलने वाले घोड़े खच्चरों को पीने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की जाएगी। जो हमारे खच्चर जो हैं, जो वहाँ पर ठंडा पानी पीते हैं और मर जाते हैं, उनके लिए ये रखा गया है कि गर्म पानी उपलब्ध हो। उसके लिए जो है गीजर्स हैं वो लगाए जाएंगे ताकि खच्चरों को गर्म पानी मिले। वो मूक जानवर है, उसकी व्यथा कहने को वो बोल नहीं सकता है, तो उसके लिए बड़े हिदायत दिए गए हैं कि भाई आप टिन शेड बनाएं और वहाँ पर गर्म पानी खच्चरों को उपलब्ध कराएं जिससे किसी खच्चर की मौत ना हो। साथ ही हेली सर्विस के टिकटों की ब्लैकमेलिंग को लेकर भी इस बार सख्ती रहेगी। सतपाल महाराज ने निर्देश दिए हैं कि टिकटों की ब्लैकमेलिंग करने वाले और फर्जीवाड़ा करने वालों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। तो हेलीकॉप्टरों में जो टिकट ब्लैक होते थे उस पर सख्त कार्रवाई हमने की है और इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। और हमने ये भी कहा है वो सूचना होगी, टेलीफोन नंबर होगा, कोई भी आपको अगर आप देखते हैं कि कोई त्रुटि या कोई उसमें शिकायत है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चारधाम यात्रा से पहले एक बार फिर से कोरोना का खौफ है। सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन होना ही चाहिए। चारधाम यात्रा की हमारी तैयारियां पूरी हैं और 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, 25 को केदारनाथ जी के और 27 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे, तो यात्रा अच्छी होगी। 8 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक अपना पंजीकरण यात्रा के लिए करा लिया है, तो कोरोना की जो भी गाइडलाइन होगी उसको हम लोग पूरी तरह से पालन करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि सभी यात्रियों की, जो भी तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छी हो और सरलता से हो। इस बार चारधाम यात्रा के लिए 2 महीने पहले ही पंजीकरण शुरू कर दिए गए थे। अब तक 9 लाख श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की बुकिंग जल्द ही शुरू होने जा रही है। 8 अप्रैल से केदारनाथ हेली सेवा के लिए टिकट्स की बुकिंग शुरू की जाएगी और इस बार आईआरसीटीसी को
वेबसाइट के जरिए टिकट की बुकिंग कराने की जिम्मेदारी दी गई है। पर्यटन विभाग ने रेलवे को टिकट बुकिंग का जिम्मा दिया है। आपको बताएं 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तारीख भी तय हो गई है। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे, मगर हेमकुंड मार्ग पर अभी भी बर्फ जमी हुई है, जिसे हटाने का काम 20 अप्रैल से शुरू होगा। हेमकुंड साहिब सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने साधना की। जोशीमठ में स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 20 अप्रैल से यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा 20 मई को प्रारंभ कर दी जाएगी। यात्रा के रास्ते में पड़ी हुई बर्फ को हटाने का कार्य भारतीय सेना द्वारा 20 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया जाएगा। हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हेमकुंड साहिब यात्रा इतना कठिन है कि यहां कुदरत श्रद्धालुओं के हौसलों की परीक्षा लेती है, मगर हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर अभी भी बर्फ जमी हुई है, जिसे जल्द ही हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। हेमकुंड गुरुद्वारे के पास एक पवित्र सरोवर है, जिसके जल में स्नान कर यात्री पुण्य की कामना करते हैं। कहते हैं कि ये सरोवर यहाँ काफी समय से है, जिसकी मान्यता आज भी बरकरार है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत रावत की रिपोर्ट। और उधर देहरादून में एक परिवार की आपत्ति आईसीएसई बोर्ड की किताबों को लेकर है। दरअसल अंग्रेजी की किताब में कुछ ऐसा लिखा है जिससे ये परिवार परेशान है। मामले की शिकायत डीएम से की है और डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। आईसीएसई बोर्ड की इस किताबों को लेकर देहरादून में विवाद हो गया है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र के अभिभावक की आपत्ति इस बात पर है कि इस किताब में अंग्रेजी के शब्द फादर को अब्बू और मदर को अम्मी लिखा गया है। जनसुनवाई में कुछ पेरेंट्स आए थे मेरे पास और एक स्कूल है जिसके अंदर एक पब्लिकेशन की बुक है जिसके अंदर अम्मी अब्बू से संबोधित किया गया है माता पिता को, तो उसी में उनको ऑब्जेक्शन था। और जिसके क्रम में वहाँ पे मुख्य शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे, उनको मैंने कहा कि इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच करें और जो भी कार्रवाई हो सकती है नियमानुसार, क्योंकि देखना पड़ेगा ये किस तरह से अफिलिएटेड है, किस तरह से बुक पब्लिकेशन में आई और किस तरह से स्कूल्स इसको यूज़ कर रहे हैं, पूरी प्रक्रिया को देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। छात्र के परिजनों ने इसकी शिकायत डीएम से की है। परिजनों का कहना है कि इस किताब में फादर और मदर की हिंदी समझने के बाद उनका बेटा भी पिता को अब्बू और माँ को अम्मी कहने लगा है, जबकि ये परिवार हिंदू है। परिवार का तर्क है कि हिंदी मीडियम की किताबों में उर्दू शब्द लिखना ठीक नहीं है। इसमें एक अभिभावक है, उन्होंने एक निजी विद्यालय के खिलाफ शिकायत किया है कि उस जो पाठ्य पुस्तक है उसकी कुछ बातें उन्होंने अपेक्षा नहीं रखी थी और अनपेक्षित रूप से उनको पसंद नहीं आई है, तो उसमें उन्होंने शिकायत किया है। उसमें हमने जांच करने के लिए कहा है कि सारे पक्षों को सुन लें और जो पाठ्य पुस्तक है उसको भी देख लें, उसके बाद जब रिपोर्ट देंगे तो फिर आगे कार्रवाई हम करेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया और क्या प्रकरण है। पेरेंट्स की शिकायत है कि अंग्रेजी गुलमोहर 2 नाम की बुक में एक पाठ में मदर फादर के साथ अम्मी और अब्बू लिखा गया है। ये बुक हैदराबाद पब्लिकेशन की बताई जा रही है। मामला मुख्य शिक्षा अधिकारी के भी पास पहुंचा है, जिसकी जांच की जा रही है। मैंने वो पुस्तक भी देख ली है और मैं आईसीएसई बोर्ड से भी जानकारी ले रहा हूँ और आईसीएसई बोर्ड के विद्यालयों से भी जानकारी ले रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न एकेडमिक स्तर का है, क्योंकि उसके पूरे संदर्भ को देखना होगा, तो इस पर हम चाहेंगे कि कुछ विशेषज्ञ लोगों के राय मशवरा लें और उसके बाद ही तब इस पर कोई आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन जांच तो करा रहा है, मगर बड़ा सवाल यह है कि इन किताबों के स्कूल पहुंचने से पहले जांच क्यों नहीं करवाई गई? हजारों किताबें छप गईं और स्कूल तक पहुंच भी गईं, मगर अधिकारी उससे बेखबर बने रहे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। अब
आपको बताएं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को चारधाम यात्रा पर आने का न्योता दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री को आदि कैलाश के लिए भी आमंत्रित किया है। अनेकों ऐसे कार्य जिनके बारे में हम केवल सोचते थे, वो सब काम लगातार धरातल पर उतर रहे हैं, उनको स्वीकृति प्रदान हो रही है। जो कई दशकों से रुकी हुई योजनाएं थी, उन योजनाओं को भी स्वीकृति प्राप्त हो रही है। तो मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए और प्रदेश के लिए जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए, उनका धन्यवाद करने के लिए, और जो राज्य की हम लोग तमाम प्रकार से जो योजनाएं बना रहे हैं, जो योजन कर रहे हैं, उन सब की भी मैंने उनको जानकारी दी है। और साथ ही साथ चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और चारधाम यात्रा का निमंत्रण दिया है, और साथ में आदि कैलाश और मायावती आश्रम आने का भी निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा है निकट रूप में, निश्चित रूप से आगे जो है, जब भी उनके कार्यक्रम यहाँ बनेंगे तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आएंगे। और दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड की झांकी भी शामिल हुई थी, जिसे देश में पहला स्थान मिला है। अब इसी झांकी को प्रतिरूप को प्रदेश भर में भ्रमण के लिए रवाना किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने झांकी को रवाना किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा, झांकी के जरिए प्रदेश के लोगों को प्रदेश की संस्कृति, धार्मिक स्थलों की जानकारी मिलेगी। कर्तव्य पथ की पहली परेड और ऐतिहासिक परेड, उस परेड में उत्तराखंड की मानस खंड की झांकी को पहला नंबर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं सभी को, उत्तराखंड वासियों को, सभी इसमें भाग लेने वाले कलाकारों को, जिन लोगों ने भी इस झांकी के निर्माण में, इसके प्रस्तुतीकरण में अपना योगदान दिया है, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, सबको बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ हमारे संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर लोग इस मानस खंड की झांकी को देखें, जिसमें हमारे यहाँ की संस्कृति, यहाँ का हमारा जो प्रमुख हमारे धाम है, प्रमुख मंदिर है, उन सभी को इसमें दर्शाया गया है, योग अध्यात्म की भूमि को दिखाया गया है। उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने नव नियुक्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय और कार्डियक यूनिट का लोकार्पण किया। जिला अस्पताल में कार्डियक केयर यूनिट की शुरुआत हुई है, जिससे मरीजों को काफी फायदा होगा। धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। पूरे उत्तराखंड में इस बार बहुत आमूलचूल काम हो रहे हैं, और उत्तरकाशी जिले में भी हम इस साल लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। यहाँ पे चाहे डॉक्टरों के आवास की सुविधा हो, चाहे उपजिला चिकित्सालय बनाने हो, चाहे हॉस्पिटलों का उच्चीकरण करना हो, हम कोई कसर जो है उत्तरकाशी जिले में नहीं रखेंगे। जो जो डिमांड हमारे जिला प्रशासन ने, हमारे माननीय विधायक जी ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने दी हैं, उनको हम पूरा करें। पौड़ी और टिहरे जिले को आपस में जोड़ने वाले सिंगटाली मोटर पुल का काम पिछले कई सालों से अधर में लटका हुआ है। इस पर यूकेडी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। यूकेडी कार्यकर्ता चारधाम यात्रा को लेकर प्रभावित करने का ऐलान भी किया है, साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके साथ ही यूकेडी कार्यकर्ताओं ने डीएम से भी मुलाकात की। मसूरी में उत्तराखंड परिवहन निगम के खटारा बसों के संचालन को लेकर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि खस्ता हाल बसों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, मगर परिवहन निगम इन पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है। कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये रोडवेज परिवहन निगम के जो बसें हैं, खटारा बसें हैं, शराबी नशेड़ी ड्राइवर है, जिनके वजह से, जिनकी गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं जानबूझकर, मैं कहूँगा, लोगों को मौत का ग्रास बनाया जा रहा है। और जो विगत की जो घटना है, ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें कई लोग मौत के काल में समा चुके हैं। और ये परिवहन निगम मसूरी है, इन बसों और इन ड्राइवरों के माध्यम से कितनी और लोगों की बलि चढ़ाना चाहेगा, ये हम। आज IIT रुड़की का 22वां दीक्षांत समारोह हो रहा है। 2022 छात्रों को डिग्रियां दी गई हैं, और IIT निदेशक KK पंत, VVR मोहन रेड्डी ने छात्र छात्राओं को डिग्रियां बांटी हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस और अभियांत्रिकी छात्रा लोशाना बालारा को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल दिया गया है, जबकि निखिल चौधरी को रजत पदक दिया गया है। महक रैना को शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक मिला है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअल माध्यम से छात्रों को संबोधित किया। इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।